पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने मान सरकार अते कांग्रेस नूं कोसिया इल्जाम लाया कि दोवें पार्टियां लोगों नूं धोखा दे रही ने नतीजा लोग सबक सिखाउणगे दावा किया कि पीएम मोदी मुड़ सरकार बनाउणगे। देखो अपनी परछाई से भी डर रही है आम आदमी पार्टी और अपने कुकर्म लोगों के सामने जाहिर ना हो इसलिए मीडिया का गला घोंटने की प्रयास कर रही है, कभी अखबारों के ऊपर या कभी मीडिया के ऊपर भी जिस तरह किया गया है ये मैं समझता हूँ घोर निंदनीय है और पंजाब के लोग तो खास तौर पे इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो पोल है वो कहते हैं ना जैसे मुसेरा भाई, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई क्योंकि कांग्रेस के प्रधान यहाँ पे पंजाब में कह रहे हैं कि हमारा तो आम आदमी पार्टी से कोई झगड़ा ही नहीं है। तो आप पंजाब के लोगों को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है, ये सवाल उनसे लोग पूछेंगे कि ये इन्होंने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये दुकान एक है दरवाजे इसके दो हैं, तो ये जो हैं इस किस्म की कूटनीति से चलते हुए पंजाब के लोग इन्हें करारा सबक सिखाएंगे एक तारीख को। सर 13 की 13 लोकसभा सीटों पे आप जा रहे हो, देखा है पूरा समीकरण कैसा? बड़ा आज लोगों में उत्साह है साहब, लोग उकता चुके हैं इस भ्रष्ट सरकार से और ऐसी भ्रष्ट अपोजिशन से, दोनों मिले हुए हैं चोर और सिपाही मिल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए, पंजाब में अमन शांति बहाल करने के लिए लोग मोदी जी की तरफ बीजेपी की तरफ एक कठोर सख्त शासक की तरफ निगाह कर रहे हैं। सर राहुल गांधी कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है भाजपा है सिर्फ धर्म के नाम पे वोट एकत्र कर रही है, राम मंदिर के नाम पे वोट। देखिए ये मसले आस्था के हैं, चाहे करतारपुर लांघा है चाहे राम मंदिर है, ये लोगों की आस्था के मसले हैं। परंतु आज अगर लोग योगी जी को या प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं तो एक मजबूत शासक के तौर पर जो कि कठोर निर्णय ले सकें, आतंकवाद को भ्रष्ट लोगों को माफिया को जड़ से निकाल सकें, इसके लिए लोग बीजेपी की तरफ देख रहे हैं।